बदलाव की जरूरत है। जो लोग जैसे शिवसेना की आपने बात की या और लोग जो है इसके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, देखिए सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसी को इस मैटर में बोलकर वो अपने आप को भयभीत शो कर देते हैं कि नहीं हमें तो डर है सिखों से, वो जेड प्लस ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रोपगंडे हैं जो ये पार्टियां अपना रही हैं। अब आप राम रहीम जी की बात ले लीजिए, राम रहीम को पैरोल मिलना बिल्कुल गलत था, उसको पैरोल क्यों दी गई? क्या हमारे संत समाज के लोग जेल में नहीं है? क्या हमारे सिख समाज से जो है वो जेल में नहीं है? तो कहने का मतलब जो है कि राम रहीम को पैरोल दी गई सिर्फ सिख समाज को चिढ़ाने के लिए। बार बार वही बात आपके सामने रखी जाती है, बार बार सिख समाज को चिढ़ाया जाता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ हुकूमतों को कि आप लोगों तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखिए कि आज जो शहादतें हुई, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को दीवारों में चिनवाया, गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दे के अपना शीश कटवाकर आप लोगों के लिए मंदिर विद्यालय की रक्षा की, आप लोगों के धर्म बचाए, जिस सनातनी की आप बात करते हो, कौन से सनातन की बात करते हो, जब आपको शहादत लेनी हो तो गुरु तेग बहादुर जी को ले जाते हो कि शहादत दे दो हमारा धर्म बच जाएगा। जब वो शहादत दे देते हैं तो आप लोग घरों में बैठ जाते हो, कहते हैं हम तो जी अपने राम जी को मानेंगे, हम तो श्याम जी को मानेंगे। अरे बदलाव कहाँ से आएगा? बदलाव तब आएगा जब हमारे जैसे लोग समझेंगे कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे हुकूमत कोई हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो। मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे देश के लोगों को उठना पड़ेगा, और देश के लोग जब उठेंगे देश में क्रांति आएगी। कभी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हमारे लोग डरते हैं, दिल में उनके इज्जत है, मान सम्मान है। मैं भी फील्ड में रहती हूँ, लेकिन बाहर आने से डरते हैं। वो डरते हैं कहीं हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हो, कहीं हमारे खिलाफ ईडी के छापे ना लग जाए। लेकिन मैं देशवासियों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग सभी रोटी खाते हैं और गुरु नानक देव जी के सिख हैं। ठीक है, जो सच्चाई के ऊपर चलेगा, मानवता के ऊपर चलेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हो, नश्वर शरीर हमारा क्या कर लेगा। तो बहुत कम टाइम है, देखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी ही देश के अंदर खालसा राज जो है वो आने वाला है, और ये पार्टियां जो है ये बिल्कुल डेड हो जाएंगी, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी बहुत कम लोग अब समझेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी एजुकेटेड है, उनको पता है कि कौन गलत है कौन नहीं है। और संत बिंद्रा जी वाले के बारे में अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग एक याचिका दायर करने वाले हैं जिसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स बनवाए जाएंगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट से हम अपील भी करेंगे कि उनके बारे में कोई भी अगर गलत बोलता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए, क्योंकि उनको किसी ने भी ये साबित नहीं कर लिया कि वो आतंकवादी है। बहुत अच्छा कदम है जी आपका, ऐसी बातें आप करेंगे तो सिख समाज का जो मन है, जो दुखी है इन राजनीतिक लोगों से, तो इसमें फिर आपसी प्यार भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा सर, जो आपसी भाईचारा इन लोगों ने खत्म कर दिया ना, जैसे ही फेसबुक पे पोस्ट आती है वो इतना बड़ा सवाल खड़ा करके रख देती है, मेरे को दुख होता है। अब एक निशान साहिब की आप बात ले लीजिए, 26 जनवरी को निशान साहिब लगाया था, कौन सा पाप कर दिया था उस दौरान, ये बताइए। निशान साहिब ने कितने खून उस लाल किले पे बहे होंगे सिख समाज के, तब जाकर वो निशान साहिब वहां झूले थे। अरे जो हमारे तिरंगा झंडा है वो तो बाद में ही आया है, और तिरंगे झंडे की आप बात कीजिए, सबसे पहले श्वेत जो था पट्टी थी, फिर ग्रीन पट्टी थी, फिर नीचे केसरी पट्टी थी जिस टाइम महात्मा गांधी ने तिरंगा यात्रा निकालनी थी। फिर वो क्यों उनके सिख समाज के पास गए थे, गोलियां खाने के लिए सिख समाज, और उसके बाद अगर देखा जाए जब आप वो हक मांगते हैं तो वो आतंकवादी। बहुत अच्छा कानून है, मैं तो इस कानून को जो है ना बिल्कुल निंदा करती हूँ। क्या संविधान है हमारे भारत का, कौन से संविधान के अंदर लिखा हुआ है, और संविधान का मतलब क्या है, लोगों को समझ ही नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा देश जो है वो अंधेरे में है, और बहुत जल्दी जो है ना लोगों को बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो भाई भाई से कट के मर जाएगा।